भाई बहन के प्यार का प्रतीक भाई दूज के पर्व को भैया दूज, भाई टीका, यम द्वितीया, भ्रातृ द्वितीया आदि नामों से जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह त्योहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह तिथि दीपावली के 2 दिन बाद आती है और इस तिथि को दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव का समापन होता है। इस दिन भाई अपनी बहनों से मिलने उनके घर जाते हैं और बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर उसकी लंबी आयु की कामना करती है। इस दिन तिलक करने से पहले बहनें व्रत भी रखती हैं और व्रत कथा सुनती हैं। धार्मिक मान्यता है कि अगर तिलक शुभ समय में किया जाए तो अधिक शुभ फल देता है। आइए जानते हैं भाई दूज के टीके का शुभ मुहूर्त, विधि और कथा। इस साल भाई दूज का त्योहार 6 नवंबर 2021 शनिवार को मनाया जाएगा। भाई दूज तिलक का शुभ समय 1:10 से प्रारंभ होकर 3:21 तक रहेगा। भाई दूज पूजा की सामग्री पाठ, कुमकुम, सिंदूर, चंदन, चावल, कलावा, फल फूल, मिठाई, सुपारी, कद्दू के फूल, पताशे, पान और काले चने इत्यादि। भाई दूज पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन बहने प्रातः स्नान कर अपने इष्ट देव और भगवान विष्णु एवं गणेश जी का व्रत पूजन करें। फिर चावल के आटे से चौक तैयार करने के बाद इस चौक पर भाई को बिठाएं और उनके हाथों की पूजा करें। फिर भाई की हथेली पर चावल का घोल लगाएं, उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाकर कद्दू के फूल, सुपारी, मुद्रा आदि हाथों पर रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़े। फिर हाथों में कलावा बांधे। कहीं कहीं पर इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी आरती उतारती हैं और फिर कलाइयों में कलावा बांधती हैं। अब उपरोक्त सभी सामग्री से भाई की पूजा करें और फिर आरती उतारें। तिलक की रस्म के बाद बहनें भाई को भोजन कराएं और उसके बाद उसे पान खिलाएं। भाई दूज पर भाई को भोजन के बाद पान खिलाने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि पान भेंट करने से बहनों का सौभाग्य अखंड रहता है। तिलक और आरती के बाद भाई अपनी बहनों को उपहार भेंट करें और सदैव उनकी रक्षा का वचन दें। भाई दूज पर यम और यमुना की कथा सुनने का प्रचलन है। अंत में संध्या के समय बहनें यमराज के नाम से चौमुख दिया जलाकर घर के बाहर दिए का मुख दक्षिण दिशा की ओर करके रखें। भाई दूज की कथा के अनुसार इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और यमुना अपने भाई यम को देखकर बहुत प्रसन्न हुई थी। खुशी से प्रसन्न होकर उन्होंने अपने भाई का खूब आपभगत किया, यम को खाना खिलाया और खूब सेवा की। बहन यमुना के द्वार ऐसा स्वागत देखकर भाई यम बहुत प्रसन्न हुए और बहन को वरदान मांगने को कहा। तब बहन यमुना ने भाई से वरदान मांगा कि इस बार की तरह हर वर्ष इसी तिथि पर घर आना और इस दिन जो बहनें यमुना की तरह अपने भाई का आदर सत्कार करेंगी, टीका करेंगी, उन्हें यम का भय कभी नहीं रहेगा। बहन का वरदान सुनकर भाई यम ने तथास्तु कहा और इसे सार्थक कर दिया। उसके बाद से आज तक ये परंपरा कायम है। आज भी बहनें इस दिन अपने भाइयों को टीका करती है और सूखा गोला, वस्त्र आदि देती है। एक अन्य कथा अनुसार भाई दूज के दिन ही भगवान श्री कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करके द्वारिका लौटे थे और तब बहन सुभद्रा ने उन्हें विजयी तिलक लगाकर उनका फल, फूल, मिठाई
और अनेकों दिए जलाकर स्वागत किया था, साथ ही उनकी दीर्घायु की कामना की थी। इसलिए इस दिन यम देवता और श्री कृष्ण की पूजा करने का महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बहने आसमान में उड़ती हुई चील देखकर अपने भाइयों की लंबी आयु के लिए जो प्रार्थना करती है वह पूर्ण हो जाती है और साथ ही वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। इसके साथ ही इस दिन भाई और बहन यमुना नदी में स्नान कर तट पर यम और यमुना का पूजन करते हैं, जिससे दोनों ही अकाल मृत्यु से छुटकारा पाकर सुख पूर्वक जीवन यापन करते हैं। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।